चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10 दिन बाद इसरो ने शनिवार को यानी कि आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 63:19 के बाद आदित्य को 235x19,500 किलोमीटर की पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। करीब 4 महीने के बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में 126 दिन यानी कि 4 महीने लगेंगे। यह 126 दिन 6 जनवरी 2024 को पूरा करेगा। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये एक बड़ी उपलब्धि होगी।